नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। यहां पर हम जानेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर की हेल्प से हम क्लोज टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट स्टार्ट करें उससे पहले एक क्विज है आपके लिए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर दें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर होगा। ये एक वन वर्ड है, ए बी सी या डी, क्या सही आंसर होना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्लोज टेस्ट। देखिए दोस्तों, ये सेशन मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि क्लोज टेस्ट इस तरीके से अगर हम सोल्व करते हैं न्यूज़पेपर की हेल्प से, तो दो काम एक साथ हम यहाँ पे कर लेते हैं। हम यहाँ पे सीखते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करनी है, साथ ही में जो वर्ड्स हैं या ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी चर्चा में आ जाते हैं। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, जो चार ऑप्शंस दिए हैं वो भी मैंने कोशिश की है कि एक दो वर्ड्स ऐसे हों, नए हों, ताकि वोकैबुलरी भी आपकी एनहांस हो। तो सब चीज़ें मैं इसके अंदर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, हम बात यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट करो उससे पहले मैं चाहूँगा कि जमकर इस पर अप्लाई कर दें और मैक्सिमम इसको शेयर कर दें। चलिए बात करते हैं कि इस सेशन में किस तरीके से हमें क्लोज टेस्ट को टैकल करना है। देखिए, अ डैश फ्यूड बिटवीन US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड टॉप डेमोक्रेट नैन्सी पेलोसी बॉइल्ड ओवर एट हिज स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच ऑन ट्यूजडे। यहां तक की हम चर्चा करेंगे एक बार। देखिए, अ डैश फ्यूड, फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा। फ्यूड का मतलब क्या होता है? कलह को, झगड़े को बोलते हैं, क्वेरल को बोलते हैं फ्यूड। अगर नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए, ये यहां पे नाउन है। तो नाउन है तो इससे पहले क्या चाहिएगा? एडजेक्टिव चाहिएगा। आप ऑप्शन देखेंगे तो सबके सब एडजेक्टिव है। एक चीज आपको लग रही होगी थोड़ी सी अजीब यहां पे कि लेजरली है, वो एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब है, क्योंकि इसके अंदर एलवाई आ रहा है। लेकिन लेजरली जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो इसको आप एडजेक्टिव में ही काउंट करें। यहां पे चारों शब्द एडजेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से तो आप कोई ऑप्शन नहीं काट सकते। आप देखें इसका एक मीनिंग क्या है। ये कह रहा है कि एक लड़ाई, कैसी लड़ाई हम बात करेंगे, बिटवीन US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, किस किस के बीच की लड़ाई है। तो बिटवीन के साथ में क्या बताया था मैंने आपको कि बिटवीन के साथ में आप एंड लगाएं, तो यहां एंड लगा हुआ है। तो किसके बीच की लड़ाई है? डोनाल्ड ट्रंप और टॉप डेमोक्रेट। देखो, सबसे पहले बता दूं आपको कि अमेरिका का सिस्टम कैसे काम करता है। अमेरिका में सीनेट है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे संसद है, वैसे वहां पे संसद को सीनेट बोलते हैं। हमारे यहाँ दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस, उसी प्रकार से वहां पर भी है। एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब वहां पे, और दूसरा एक कांग्रेस है। दो सदन है, दो पार्टी वहां पे मुख्य धारा में है। जैसे कि यहां पे दो पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की हम बात करते हैं, वैसे दो पार्टी वहां मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में है। एक पार्टी है यहां पे जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो इनकी पार्टी है, ट्रंप की पार्टी है। दूसरा यहां पे जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो डेमोक्रेट की बात कर रखी है यहां पे, ये इनकी पार्टी है, नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी जो है वो यहां पे स्पीकर हैं, सदन के स्पीकर हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, दोनों के बीच लड़ाई चल रही है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहां पे क्या बताना आपको, देखो यहां अ डैश फ्यूड बिटवीन US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड टॉप डेमोक्रेट नैन्सी पेलोसी। आपने यहां पे एक चीज सीखी है, बिटवीन के साथ में एंड लगाना है। दूसरा आपने सीखा है कि फ्यूड का मतलब लड़ाई होती है, दो के बीच की लड़ाई है, डोनाल्ड ट्रंप और नैन्सी पेलोसी के बीच। बॉइल्ड ओवर का मतलब क्या है, ये लिख लीजिएगा, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है इमोशंस का बाहर आना, जो गुस्सा है उसका बाहर आना, और इस तरीके से बाहर आना कि जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। ठीक है, अगर कोई एंगर है, कोई गुस्सा है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं बॉइल्ड ओवर। तो यहां दोनों के बीच की लड़ाई जो है वो बाहर आ गई, एट हिज स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच। अब देखो ये क्या चीज होती है, स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच क्या होता है? स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच जो होता है, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त सत्र बुलाता है दोनों सदनों का, और उन दोनों को संबोधित करता है साल में एक बार, वर्ष में एक बार। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त सत्र बुलाता है अपर हाउस और लोअर हाउस का, उसे कहा जाता है स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच। तो स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में जब बात कर रहे थे, जब वो डिलीवर कर रहे थे अपना स्पीच, उस समय इन दोनों के बीच का झगड़ा जो है बाहर आ गया। ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे डे का नाम है इसलिए ऑन का प्रयोग है। अब हमें यहां पे क्या करना है, क्लोज टेस्ट की हम बात करें तो यहां पे लगाना है कि फ्यूड से पहले क्या आएगा। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा, कड़वाहट भरी। डलसेट का मतलब होता है मधुर, नोट कर लीजिए, नहीं पता हो तो आप इसको मेलोडियस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेलोडियस, ठीक है, मेलोडियस कह सकते हैं। डिलेटरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है कॉजिंग डिले। क्या मतलब होता है? कॉजिंग डिले, जो देरी करवाए उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं डिलेटरी। डलसेट का मधुर होता है। लेजरली होता है वो फुर्सत में, ठीक है ना, हैविंग फ्री टाइम। तो यहां पे कह सकते हो आप हैविंग फ्री टाइम, लेजरली फुर्सत। और बिटर का मतलब कड़वाहट भरी होती है, ठीक है। अब एक बात तो मैं बता दूं आपको कि डलसेट तो नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो मेलोडियस है, लड़ाई छोड़े ना मेलोडियस होगी, इसलिए ये काट सकते हैं। डिलेटरी कोजिंग डिले, तो शायद इसका मीनिंग आपको पता हो, पहले से पता होता तो शायद आप ये भी काट देते, क्योंकि यहाँ पे डिले वाली फाइट की कोई बात ही नहीं है, लड़ाई की बात नहीं है, तो ये काट देंगे। लेजरली, फुर्सत में लड़ाई लड़ी, ऐसा भी ऑप्शन नहीं है। तो ये तो आपका वोकैब के आधार पर ही आंसर आ जाएगा। बिटर, बिटर फ्यूड मतलब एक बहुत ही कर्कश झगड़ा इनका चल रहा है। किस किस का? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का और टॉप डेमोक्रेट नैन्सी पेलोसी का। और वो झगड़ा बाहर आ गया जब उनका ये स्पीच हुआ ट्यूजडे को। कैसे, क्या झगड़ा बाहर आया बताया रखा आगे, विद मिस्टर ट्रंप डिनाइंग हर ए हैंडशेक। अब क्या किया कि पेलोसी ने हाथ मिलाने की कोशिश करी, हैंडशेक की कोशिश करी, मिस्टर ट्रंप ने इनको मना कर दिया, डिनाई कर दिया, डिनाई का मतलब इनकार करना। तो ट्रंप ने इनकार कर दिया इनके हैंडशेक का। एंड मिस पेलोसी, ये मिस क्या है, ये ऑनरिफिक वर्ड होता है किसी सेलिब्रिटी के लिए। किसी महिला के नाम से पहले हम मिस लगा सकते हैं, मिसेज लगा सकते हैं और मिज लगा सकते हैं, सेलिब्रिटीज के लिए मिस लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चूंकि सेलिब्रिटी का मतलब ये मान लीजिए जिसको सब जानते हैं, तो ये अब ये नाम देखिए न्यूज़पेपर में आ रहा है, डेफिनेटली ये सेलिब्रिटी है, तो इस कारण से मिज। मिज पेलोसी रिपिंग अपार्ट, रिप अपार्ट का मतलब क्या होता है, फाड़ देना, रिप अपार्ट का मतलब टीयर कर देना, फाड़ देना। तो ये कह रहा है कि मिस पेलोसी ने क्या किया, उन्होंने तो हाथ मिलाने से मना कर दिया और पेलोसी ने बदले में क्या किया, एक कॉपी जो थी उनके रिमार्क्स की, जो टिप्पणियां उन्होंने की थी, उन रिमार्क्स की जो कॉपी थी, लेटर था, मतलब जो भी एक पत्र था, उसको फाड़ दिया बिहाइंड इज बैक, उनके पीछे से। ये दोनों झगड़ा, मतलब ये दोनों उदाहरणों से पता लगता है कि झगड़ा बाहर आया, बिटर क्वायरल जो उनकी थी वो झगड़ा बाहर आया। आगे देखो, ट्रंप अवॉइडेड द सब्जेक्ट ऑफ हिज इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, और इम्पीचमेंट चल रहा था इन पर, तो ट्रंप अवॉइडेड द सब्जेक्ट। ट्रंप ने अपने इम्पीचमेंट ड्रामा, जो इम्पीचमेंट ड्रामा चल रहा था, जो महाभियोग का ड्रामा था, उस पर बोलने से वो बचे। इस स्पीच में, जो ये स्पीच था ना इनका, स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच, इसमें बोलने से बचे, इन्होंने बात ही नहीं करी इस बारे में। इन अ पग्नेशियस 80 मिनट स्पीच। पग्नेशियस क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, ओ यूएस आ रहा है, और पग्नेशियस का मतलब लिख लीजिएगा आप, पग्नेशियस से मतलब होता है अग्रेसिव, आप कह सकते हो यहां पे अग्रेसिव। वैसे पग्नेशियस जो वर्ड होता है दोस्तों, इसका मतलब झगड़ालू भी होता है, लेकिन यहां आप इसको अग्रेसिव कह दीजिए, क्योंकि यहां झगड़ालू स्पीच तो होगा नहीं। 80 मिनट का भाषण दिया था, 80 मिनट के आक्रामक भाषण में उन्होंने इस बात पर, इस मुद्दे पर बात नहीं करी जो उनका महाभियोग चल रहा था उस मुद्दे पर। बट द रो वुंड्स, इसको क्या पढ़ेंगे, वुंड। रो वुंड का मतलब जो ताजा घाव है, फ्रॉम द बैटल, जो ये लड़ाई चली इनके बीच में, इस बैटल से जो घाव ताजा थे, वर एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, जो एकदम स्पष्ट है, जो साफ दिख रहा था, विद फेलो रिपब्लिकन्स। मैंने कहा था रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो फेलो रिपब्लिकन का मतलब जो इनके साथी लोग थे ना, जो इनका स्पीच सुन रहे थे, ये साफ साफ दिखा यहां पे, जो घाव थे वो एकदम, जो एक ताजा घाव इस लड़ाई से जो इनको लगे थे, वो घाव यहां साफ दिख रहे थे, विद फेलो रिपब्लिकन्स गिविंग हिम स्टैंडिंग ओवेशंस। कैसे कि फेलो रिपब्लिकन्स, जो इनके साथी थे, रिपब्लिकन्स थे, गिविंग हिम स्टैंडिंग ओवेशन, वो दे रहे थे इनको, किनको, डोनाल्ड ट्रंप के लिए हिमा रखा है, स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब खड़े होकर स्वागत करना, ओवेशन का मतलब होता है जोरदार ढंग से स्वागत करने को बोलते हैं ओवेशन, तो स्टैंडिंग ओवेशन दिया। जबकि देखो वाइल लगता है, तो मान के चले कि वॉट एवर यू हैव टॉक्ड अबाउट, द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट सेंटेंस वो डेफिनेटली अपोज द गिवन सेंटेंस। सो यहां पे आप देखिएगा, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगला स्टेटमेंट जो होगा वो पहले वाले का विरोध करता नजर आएगा। तो ये कह रहा है वाइल राइवल डेमोक्रेट्स, जबकि जो विरोधी डेमोक्रेट्स हैं, राइवल का मतलब जो विपक्षी पार्टी है इनकी, डेमोक्रेट्स हैं, नैन्सी पेलोसी वाली पार्टी है, फॉर द मोस्ट पार्ट वो अधिकांश समय कैसी रही, वो तो खड़े रहे, जबकि वो कैसे रहे, तो इसका मतलब यहां पे आएगा तो विपरीत, तो वो तो कम से कम खड़े नहीं रहे, वो तो स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दे रहे थे, इसका मतलब यहां पे स्टैंडिंग ऑप्शन काट दीजिए। ओके, रिमेंड ऐसा रहा, ऐसे ही रहे, इसका मतलब ये घटना है पास्ट की है और ऐसे रहे, आपको बताना है क्या लगेगा, तो सीट तो नहीं आएगा, रिमेंड सीट, रिमेंड सीट, सीट तो नाउन होता है वैसे ही, सीटिंग, सिटिंग होता तो सोचते हम रिमेंड सिटिंग, ये सिटिंग, लेकिन आप देखिए ये नाउन है, लेकिन ये जो वर्ड हम यूज करते हैं, कई बार आप देखते हैं बी सीटेड, किसी को कोई गेस्ट हमारे घर पे आया तो हम उसको कहते हैं बैठ जाइए, तो उसके कह सकते हैं बी सीटेड, ठीक है, लेकिन ये यूज नहीं कर सकते हम सीट, सीटिंग, सिटिंग होता है, तो रिमेंड सीटेड, वो बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, उनको बहुत दुख हुआ इस लड़ाई से, मतलब कहने का मतलब उनकी जो वहां पे नैन्सी पेलोसी है उनकी बेइज्जती हो गई, उनका मतलब हैंडशेक का जवाब नहीं दिया तो ये बेइज्जती हुई, तो वो बैठे रहे, उनका मतलब कुछ था ही नहीं। वैसे भी डेमोक्रेट्स, बता दूं थोड़ा सा मैं आपको कि डेमोक्रेट जो है ना, उनकी आपस में लड़ाई है,
इनके पास कोई प्रतिनिधि नहीं है, इनके पास कुछ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनाव जो 2020 में होंगे उस चुनाव में उनके सामने खड़ा करने प्रतिनिधि नहीं है, सबके सब अपने आप को दावेदार मान रहे हैं। तो ये भी लड़ाई है इनकी। आगे देखो, द रिपब्लिकन लेड सीनेट, लेड का मतलब इसके नेतृत्व में कह दीजिए, तो रिपब्लिकन के नेतृत्व में जो सीनेट है, सीनेट संसद है वहां की। जैसे देखो लोकसभा के अंदर मेजोरिटी किसकी है, बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी ही सरकार है, तो डेफिनेटली जिसकी सरकार है उसी की मेजोरिटी रहेगी, इसी कारण सरकार बनाई है उन्होंने। तो वैसा ही यहां पे है कि उनकी संख्या ज्यादा है रिपब्लिकन की, तो रिपब्लिकन के नेतृत्व में सीनेट जो थी वॉज एक्सपेक्टेड, उससे ये एक्सपेक्ट किया गया, वॉज एक्सपेक्टेड क्या हो गया, पैसिव वॉइस क्यों हो गया, क्योंकि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, इससे एक्सपेक्ट किया गया टू एक्विट हिम डैश चार्जेस, क्या एक्सपेक्ट किया गया कि उसको क्या कर दें, इन चार्जेस से कर दें, यहां नंबर थ्री है कि चार्जेस से क्या कर दें, चार्जेस से ऐसा कर दें। तो एक्विट के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है, क्या क्या मुझे आवश्यकता है यहां ऑप्शंस दिखाने की, या फिर अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं आप जानते हैं कि एक्विट के साथ में क्या लगता है, यस एक्विट के साथ ऑफ लगता है, तो आप ऑप्शन नहीं देखेंगे तो भी ऑफ ही आएगा यहां, तो है ना। तो यहां पर एक्सपेक्ट किया कि उनको चार्जेस से मुक्त कर दें। अब आगे देखो, ही अब्यूज्ड हिज पावर्स, ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, उन्होंने अपने पावर्स का दुरुपयोग किया, एन ऑब्स्ट्रैक्टेड, एंड से पहले सेकंड फॉर्म, एंड के बाद में भी सेकंड फॉर्म, एंड दोनों और चीजों को बैलेंस करने का काम करेगा। ऑब्स्ट्रैक्टेड का मतलब है रुकावट डाली, एक तो उन्होंने पावर्स का दुरुपयोग किया और कांग्रेस के ऑब्स्ट्रैक्ट किया, कांग्रेस वहां का जो जो क्या कह सकते हो, अपर हाउस लोअर हाउस होता है ना, अपर हाउस वहां पे है, तो यहां पे इसको ऑब्स्ट्रैक्ट किया ड्यूरिंग ए वोट बिगिनिंग एट 4 PM, जो वोटिंग स्टार्ट हुई थी ना, महाभियोग वाली वोटिंग, वो स्टार्ट हुई थी 4 बजे, EST का मतलब होता है ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, अमेरिका का समय की बात है, ऑन वेंसडे को, और ये भारत में टाइम क्या है, ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 2:30 बजे थे भारत में सुबह के, थर्सडे की बात है, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, बाकी तो प्रिपरेशन लगेंगे नहीं, ये काट दिए। आगे देखिए, सीइंग मिस पेलोसी द US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर, तो ये कहना चाह रहा है कि मिस पेलोसी को देखते हुए US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर, अब पेलोसी कौन है उसकी चर्चा यहां पे की गई है, इसे कहते हैं नाउन इन डेपोजिशन। जब किसी नाउन के साथ एक और नाउन लगाते हैं आप, नाउन आ गया उसके बिल्कुल नजदीक, जक्स्टा पोजिशन है ना, जक्स्टा पोज करके बिल्कुल नजदीक एडजेसेंट टॉपिक ने एक नाउन और जोड़ दिया, तो ये मैंने सेकेंड नाउन जोड़ा है, इसे कहेंगे नाउन इन डेपोजिशन, और इस नाउन से पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे क्या करना है, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर, यहां पे देखो द लगाया है, इनके बाद ये नाउन जोड़ा था, ये कौन है, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर है, जैसे हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं वैसे यहां के स्पीकर हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट से पहले द क्योंकि ओरिजिनल नंबर है, पहली बार ऐसा हुआ कि सिंस शी डैश ऑफ अ व्हाइट हाउस मीटिंग 4 months ago, कब से पहली बार, कि जब व्हाइट हाउस से वो 4 महीने पहले उन्होंने क्या किया था, रश्ड नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ लग रखा है, रश का झपटना होता है, जल्दी से आना झपटना उसको बोलता है, रश नहीं आ सकता क्योंकि ऑफ लग रखा है, टू होता तो सोचते रश्ड टू, किसी भी चीज के लिए रश टू आ सकता है, ये काटा। नेक्स्ट देखिए, स्नीक्ड इनटू, स्नीक का मतलब चोरी छिपे घुस जाना, तो ऐसा तो होगा नहीं यहाँ पे, चोरी छिपे घुसेंगे ये, देखो आपको वर्ड्स पता होंगे ना तो शायद इजी हो जाता ये, वरना वर्ड्स नहीं पता है तो फिर तो आपको देखिए तुक्का लगाना पड़ेगा, तो वर्ड्स पता होना चाहिए। स्टॉर्म आउट का मतलब गुस्से में बाहर चली गई थी, बायकॉटेड का मतलब बहिष्कार किया था। अब ये हालांकि शी डैश ऑफ ए व्हाइट हाउस, तो उन्होंने बायकॉट किया ये हो तो सकता है, लेकिन ज्यादा उपयुक्त विकल्प क्या है, स्टॉर्म आउट। स्टॉर्म आउट का मतलब एक बता रहा है कि बहिष्कार तो किया ही किया, साथ में ये वर्ड भी यहां पे इन्वॉल्व कर लेगा, और साथ में कह रहा है कि गुस्से में बाहर चली गई थी, तो बहिष्कार तो हो गया अपने आप ही, लेकिन गुस्से में बाहर गई, तो दो वर्ड्स को साथ में लेकर चल रहा है ये वाला, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, स्टॉर्म्ड आउट ऑफ अ व्हाइट हाउस मीटिंग। तो जब वो 4 महीने पहले व्हाइट हाउस की राष्ट्रपति भवन मीटिंग चल रही थी उसको छोड़कर गुस्से में बाहर चली गई थी, उसके बाद पहली बार ये हुआ। फिर कह रहा है कि मिस्टर ट्रंप डिक्लाइंड टू शेक हर डैश हैंड एज ही गेव हर अ पेपर कॉपी ऑफ हिज रिमार्क्स बिफोर स्टार्टिंग टू स्पीक। मिस्टर ट्रंप ने इनकार कर दिया, डिक्लाइन का इनकार कर दिया, मना कर दिया टू शेक हर डैश हैंड, उनके हैंड को मिलाने से। कौन सा हैंड, स्प्रोल्ड का मतलब होता दूर दूर तक पसरा हुआ, फैला हुआ, तो हाथ के लिए तो नहीं आएगा, काट दीजिए। आउटस्पोकन, जो बिल्कुल साफ साफ बोलता है, फ्रैंक है, कैंडिड है, नहीं आएगा हाथ के लिए, काट दीजिए। प्रोट्रूडिंग का मतलब बाहर निकला हुआ अपने आप से, जैसे मान लीजिए मेरे जेब से रुमाल निकली हुई है ना,
तो उसके लिए आप प्रोट्रूडिंग कह सकते हो। किसी के देखो कभी डोले शोले देखे हो आपने इस तरह से, तो वो बाहर निकली हुई हो, है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोट्रूडिंग मसल्स। तो यहाँ आउट स्ट्रेच आ जाएगा, जो उन्होंने हाथ इस प्रकार से बढ़ाया था, आउट स्ट्रेच बाहर निकाला था, स्ट्रेच किया था मिलाने के लिए, तो वो हाथ इन्होंने मतलब मिलाने से मना कर दिया जब उन्होंने उसको कॉपी दी। ये हरारे पेलोसी के लिए ही, डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने पेपर कॉपी दी अपने रिमार्क्स की बोलने से पहले, स्टार्ट करने से पहले। तो ये था सेकंड क्लोज टेस्ट, और उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, कुछ वर्ड्स भी आपने नए सीखे होंगे। ये श्रृंखला हम जारी रखेंगे अगर आप चाहेंगे तो। चलिए बात करते हैं नए सेशन में, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।